आप पूछिए क्या. हाँ वो मैं कह रही थी, देखें हम यूं जा रहे हैं और एक रोड स्ट्रेट जा रही है, तो राइट तो उनका है ना तेज आने का, हम तो उस रोड में एंटर हो रहे हैं, तो हमें वहां रुकना नहीं है उनके लिए. अच्छा करते करते क्या हुआ एकदम से कि आप मैं उधर देखने लग गई, उधर भी देखने लग गई. और स्पीड भाई बेंट है ना, आपने पहले लेसन में क्या सीखा था कि बेंट पे हम लोग फास्ट जाते हैं या अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखते हैं. कंट्रोल में रखते हैं. आपने क्या किया, स्पीड कर दी. अगर सामने से कोई अगर लॉरी आ रही होती या बिग ट्रक आ रहा होता तो भाई क्या होता है. और हम जब बेंट पे होते हैं हम राइट लेन को फॉलो करते हैं, कर्व को फॉलो करते हैं. अच्छा मैं उधर क्यों देख रही हूँ, नहीं देखना मुझे. क्यों देखना आपने, राउंड अबाउट थोड़ी है. हाँ मतलब मुझे सेफ साइड के लिए देखा कि इधर से आ तो नहीं रही कोई, नहीं आएगा. राउंड अबाउट थोड़ी है ये. ओके आप पूछिए क्या. हाँ वो मैं कह रही थी देखें हम यूं जा रहे हैं और एक रोड स्ट्रेट जा रही है, तो राइट तो उनका है ना तेज आने का, हम तो उस रोड में एंटर हो रहे हैं, तो हमें वहां रुकना नहीं है उनके लिए. ओके अब मिसाल के तौर पर जैसे ये एक रोड है ठीक है, और इमेजिन करें कि राइट से एक रोड आ रही है, तो किसकी उनकी प्रायोरिटी होगी कि हमारी प्रायोरिटी होगी. तो वहां पे क्या डिफरेंस आपको नजर, आपका ऐसा क्या नजर आया. मुझे लग रहा था कि हम उनकी रोड, वो स्ट्रेट है रोड और हम एंटर हो रहे हैं और इधर से, इसलिए मैंने चेक किया कि कोई रोड तो वहां तो पे दो रोड थी, वहां पे दो, एक भी नहीं दो थी, दो थी ठीक है, दो थी, एक ऊपर ब्रिज से आ रही थी और एक सामने से आ रही थी. लेकिन क्या आपने ये चेक किया कि उन दोनों रोडों पे गिव वे की डबल लाइन पेंट हुई हुई थी. इसीलिए मैंने वहां स्लो किया. अच्छा उन्होंने गिव वे, उनकी पेंट हुई हुई थी, हमारी तो नहीं पेंट हुई. वही तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो गिव वे की लाइन है वो हमारी रोड के आगे पेंट हुई हुई थी या उनकी रोड के आगे पेंट हुई हुई थी. हमारी नहीं थी, उनकी मैंने नोटिस नहीं किया. उनकी हुई हुई थी ना. अच्छा देखें आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप हैं मेजर रोड पे, ये जो रोड है ये मेजर रोड है, वो जो रोड है वो साइड रोड है. जब भी कोई बंदा साइड रोड से मेजर रोड पे आता है दे ऑलवेज गिव यू द वे. ओके ठीक है. अब जैसे वो गाड़ी निकल के आ रही है ब्लैक कलर की, अब वो साइड रोड से मेजर रोड पे आ रही है, तो वो गाड़ी मेजर रोड वालों को जगह देगी. ठीक है. तो वहां पे आपसे दो जो प्रॉब्लम हुई, एक तो ये कि आपने बिला वजह राइट देने की कोशिश की, चलो वो भी देख ले प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर, लेकिन उसको देखने में ये खराब हो गया. तो ना? क्या हुआ कि आपने पांव आपका स्पीड पे चला गया और आपको पता है कि बेंड आ रहा है. आपका जो पहला लेसन था आपको मैंने क्या कहा था कि जब भी बेंड होता है हम कंट्रोल मैनर में बेंड को फॉलो करते हैं या कर्व को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने स्पीड बढ़ाया तो मुझको एकदम से फास्ट इंटरवीन करना पड़ा. खुदा ना खास्ता का सामने से कोई ट्रक आ रहा होता या कोई बड़ी लॉरी आई होती, तो वो क्योंकि इतनी वाइड होती हैं कि वो हमारी रोड भी यूज़ कर रही होती हैं, और वो जो बैंड था वो क्लोज व्यू भी था, आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने हमेशा थोड़ा सा स्पीड कम करके स्लो करके अपनी बॉडी को ऐसे करके जाना होता है हमने वहाँ पे. इट्स ऑल ऑफ योर लर्निंग लेसन्स. ठीक हो गया. अच्छा उस रोड पे अब मुझे उधर देखना चाहिए, लेकिन देखना भी नहीं चाहिए, हल्का सा आपको नहीं देखना चाहिए, कोई जरूरत भी नहीं है. ठीक है. हाँ कोई अगर गाड़ी आ रही होगी ना आपको गाड़ी नजर आ जाएगी, बाज दफा गाड़ियाँ बहुत तेजी में आ रही होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने उनको जगह देनी है, वो फिर भी रुकेंगे. लेकिन अगर आपने उनको उनकी वजह से आप परेशान होकर आपने ब्रेक लगा दी, पीछे वाली गाड़ी वाला आपको हिट कर देगा आपको आके. क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप उनको देख के डरे. हाँ, हाँ अगर ये राउंड अबाउट होता और गाड़ी राइट से आ रही होती तो फिर आपको रुकना पड़ता.